दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूं अपनी फैमिली के साथ वैष्णो देवी मंदिर, जो कि बलसाड़ में है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मंदिर बलसाड़ से तकरीबन 8.5 किलोमीटर के करीब है और ये बम्बई हाईवे पर बना हुआ है। मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों, ये सुबह 8 बजे से शाम को 9 बजे तक खुलता है। मंदिर की जो डिज़ाइन है, वैष्णो देवी कटरा जो मंदिर है उस डिज़ाइन पर बनाया हुआ है। लवी की हो गई है ब्लॉगिंग शुरू और लवी ने ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ मंदिर में नहीं है और मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मंदिर वैष्णो देवी कटरा के स्टाइल का बना हुआ है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इस मंदिर का किया हुआ है और पूरी कॉपी करने की कोशिश की गई है। और ये गुफा के जरिए हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप वीडियो पर बने रहिए। जय माता दी। दोस्तों, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं और हम लोग माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं गुफा से होकर। और गुफा काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे हम लोग कटरा की गुफा में प्रवेश करते हैं। और दोस्तों, यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ का व्यू नहीं दिखा सकती पूरा। और यहाँ 3 पिंडियों के रूप में ही माता वैष्णो देवी के दर्शन हम लोगों ने किए। और दोस्तों, ऊपर का ये सारा व्यू आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। अभी हम लोग जा रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं कि गुफा काफ़ी सकरी है। बाहर आने का रास्ता दूसरा है। बाहर आते समय ये 9 देवियों के दर्शन हमको दोस्तों होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं 9 देवियों के दर्शन यहाँ हम लोगों ने किए। मंदिर में बहुत ही मधुर संगीत माता रानी का चल रहा था, जो आप सुन सकते हैं इस वीडियो में। बहुत ही मधुर आवाज़ थी उस संगीत की। और अभी हम लोग आ चुके हैं दोस्तों मंदिर से बाहर। मंदिर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन सुंदर बना हुआ है। इसे मिनी वैष्णो देवी मंदिर भी कह सकते हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। और आप जब भी बलसाड़ आएँ दोस्तों, तो वैष्णो देवी के दर्शन अवश्य करें और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। दोस्तों, यह है माता रानी का मंदिर वैष्णो देवी धाम। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माता रानी मेरे सभी दोस्तों की रक्षा करें। जय माता दी। दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बलसाड़ शहर है, गुजरात में पड़ता है और बॉम्बे के पास है और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ आम और चीकू के बाग बहुत हैं और इसलिए यहाँ आम और चीकू की बहुत ही वैरायटियाँ मिलती हैं। और दोस्तों, ये बलसाड़ शहर है, शहर छोटा है मगर अच्छा है।
और दोस्तों आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।